यूएस के सिएटल में जातिगत भेदभाव पर बैन, ऐसा करने वाले अमेरिका का पहला शहर बना। साउथ एशियंस के बीच बढ़ रहे भेदभाव के मामले। कांग्रेस नेता खड़गे का दावा, 2024 में कांग्रेस सरकार, भले 100 मोदी 100 अश्वा आ जाए, कांग्रेस के अगुवाई में विपक्ष भाजपा को हटा देगा। ब्रिटेन की सुनक सरकार बोली, हम बीबीसी के साथ संसद में आईटी रेड पर बहस के दौरान कहा, लोकतंत्र में मीडिया की आजादी जरूरी। उत्तर प्रदेश में नेहा सिंह के खिलाफ पुलिस का नोटिस, कानपुर देहात कांड पर गाया था गाना, 60 सवालों पर 3 दिन में जवाब मांगा। अमेरिका ने इस साल 36% भारतीयों को वीजा दिया, कहा भारत हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी, अब आईटी प्रोफेशनल का वीजा यूएस में रिन्यू होगा। यूपी का सबसे बड़ा बजट 6,90,000 करोड़, 17,000 किसान पाठशालाएं खुलेगी, हर जिले में खुलेगा एक मेडिकल कॉलेज। बाइडेन ने पुतिन से कहा, यूक्रेन कभी नहीं जीत पाओगे, रूस की फौज बेरहम और वहिष्ठी महिलाओं से रेप को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। गीतकार जावेद अख्तर ने बोला, पाकिस्तान में हमला, कहा मुंबई हमले के आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे, लाहौर के लोग मेरी बात से सहमत थे। ब्रिटेन में महंगाई से भुखमरी जैसे हालात, खाने का खर्चा नहीं उठा पा रहे टीचर्स और स्वास्थ्य कर्मी, फूड बैंक से मदद मांग रहे। बीजेपी के मंत्री सांसद के सामने कुमार विश्वास बोले, आरएसएस अनपढ़ वामपंथियों को कहा कुपड़, भाजपा ने कहा कथा करो प्रमाण पत्र मत मांगो। पुतिन बोले, रूस को कोई हरा नहीं सकता, किसी की मदद लेने से इनकार, अमेरिका से 11 साल पुराना परमाणु समझौता भी तोड़ा। दिल्ली को 10 साल बाद मिली महिला मेयर, आपकी शैली जीती, 150 वोट मिले, बीजेपी की रेखा को 34 वोट से हराया। तो सीरिया में 2 हफ्ते बाद फिर भूकंप, 6 लोगों की मौत, 300 घायल, एक दिन में 90 आफ्टर शॉक्स। जासूसी मामले में मनीष सिसोदिया पर केस करेगी सीबीआई, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी, फीडबैक यूनिट से नेताओं अफसरों की जासूसी कार्रवाई। प्रधानमंत्री मोदी बताएंगे रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने का फॉर्मूला, बाइडेन की यूक्रेन यात्रा के बाद पहली बार रूस चीन अमेरिका के मंत्री साथ बैठेंगे।